हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रितु कुक। आज मैं लेकर आई हूँ मंचूरियन की रेसिपी। मंचूरियन एक ऐसी डिश है जिसे आप स्टार्टर में भी खा सकते हैं और राइस या फिर नूडल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने वो सारे टिप्स बताए हैं जिससे आप पहली बार में रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बारीक कटे हुए पत्ता गोभी लिया है, 1/4 कप गाजर, 1/4 कप गोभी, 1/4 कप प्याज और 1/4 कप शिमला मिर्च ले लिया है। मैंने गाजर और गोभी को कद्दूकस कर लिया। प्याज और शिमला मिर्च को हम बारीक बारीक काट करके ले लेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को एक गहरे बर्तन में डाल देंगे और उसमें हम लगभग 1/2 टी स्पून के करीब हम नमक डाल देंगे। नमक सब्जियों से मॉइस्चर रिलीज करता है। नमक डालकर हम सब्जियों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। तब तक हम सॉस बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस लिया और 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें टोमेटो केचप ले लेंगे और लगभग 1 से 2 टेबल स्पून के करीब इसमें हम रेड चिली सॉस डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें सेजवान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉस बना लेने से क्या होता है कि हमारी समय की भी बचत हो जाती है। अब हम इसमें एक स्लरी बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर लिया और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। इसमें हमें गुठलियाँ नहीं बनने देना है। इन सारी चीज़ों को पहले से करने से हमारी समय भी बचत होती है क्योंकि चाइनीज कुकिंग बहुत ही हाई फ्लेम पर होती है। अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम सब्जियों को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं सब्जियों ने मॉइस्चर रिलीज कर दिया। अब हम इसे हथेलियों की मदद से निकाल कर निचोड़ निचोड़ कर इसका सारा एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। अगर सब्जियों में पानी रह जाता है तो इससे क्या होता है कि जब आप मैदा और कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स करेंगे तब इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा जिससे कि हमारे मंचूरियन बॉल्स में मैदे और कॉर्नफ्लोर का स्वाद आएगा। अब हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसे आप किसी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून के करीब मैदा डाल दिया और इसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। फिर इसमें 1/2 टी स्पून के करीब नमक और 1/2 टी स्पून के करीब इसमें काली मिर्च डाल देंगे और 1 टी स्पून के करीब इसमें हम सेजवान चटनी डाल देंगे। फिर इसमें हम 1 टी स्पून के करीब सोया सॉस डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो जो हमारा ये मिश्रण है बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा और हमारे बॉल्स अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। अब इसे हमें हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमारा ये मंचूरियन का मिश्रण बन करके तैयार है। अब इसमें से हम छोटे छोटे मंचूरियन बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। हम हाथों में थोड़ा सा इस मिश्रण लेंगे और इसे गोल करते हुए हथेलियों की मदद से चिकना कर लेंगे। इसी तरह बाकी के बचे हुए हम मंचूरियन बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारे मंचूरियन बॉल्स को बना करके तैयार कर लिया। अब इसे हम तलेंगे। तलने के मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमें तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, पहले हम इसे ज़्यादा गर्म कर लेंगे। फिर इसे हम मीडियम फ्लेम पर एक एक मंचूरियन बॉल्स को डालते जाएंगे। हमें इसे हाई फ्लेम पर नहीं तलना, नहीं तो ऊपर से हमारे मंचूरियन बॉल्स देखने में ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे तलना है। अब एक एक करके बॉल्स को हम उलट पलट देंगे। हमें इसे तुरंत नहीं टच करना है, कुछ देर के बाद इसे हमें दूसरी साइड से पलट देना है। इसी तरह हमें दोनों तरफ इसे उलटते पलटते इसे हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेक करके तैयार कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे बॉल्स हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए मंचूरियन बॉल्स को तल करके तैयार कर लेंगे। अगर हम मंचूरियन बॉल्स को तलते समय गैस की फ्लेम हाई कर देंगे तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, इसलिए हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे तलना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने सारे मंचूरियन बॉल्स को तल करके तैयार कर लिया। मैं आपको एक तोड़ कर दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे बॉल्स ऊपर से कितने क्रिस्पी और अंदर से एकदम से सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। अब हम इसके लिए सॉस बनाएंगे। इसके लिए मैंने पैन में 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होने पर इसमें हम 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। चाइनीज कुकिंग में लहसुन बहुत ज़्यादा पड़ता है जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को हमें कुछ सेकेंड के लिए भूनना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। चाइनीज कुकिंग बहुत हाई फ्लेम पर होती है। अब इसमें हम चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसे भी हमें
कुछ सेकंड के लिए भून लेना। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा लूज नहीं करना, सब्जियों का क्रंच इसमें बना रहना चाहिए। अब इसमें हम चौकोर टुकड़े में कटा हुआ शिमला मिर्च भी डाल देंगे। इसमें मैंने एक प्याज और एक शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। फिर इसमें हम तैयार किए हुए सॉस को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे कुछ सेकेंड के लिए हम पका लेंगे। सॉस को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर इसमें हम 3 से 4 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसे भी कुछ सेकेंड के लिए हम भून लेंगे। अब इसमें हम लगभग 1 से 2 कप के करीब पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी डाला, फिर मुझे कम लगा, इसलिए हम इसमें 1/2 कप पानी और डाल देंगे। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च डाल देंगे, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और फिर इसमें 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक हमें बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है, इसलिए नमक बहुत सावधानी के साथ डालें। और इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा प्याज 1/4 के करीब डाल देंगे। और फिर इसमें हम जो कॉर्नफ्लोर का घोल बना कर रखे थे, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमारा जो ये घोल है बहुत तेज़ी के साथ गाढ़ा होगा, इसलिए हमें इसे बहुत देर तक नहीं पकाना, इसे हमें कुछ देर के लिए पकाना है। अब इसमें एक उबाल आ चुका है। अब इसमें हम मंचूरियन बॉल्स को भी एक एक करते डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसे हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है, इसे हमें बहुत देर तक नहीं पकाना, नहीं तो हमारा जो ये ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब हमारे ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो लीजिए, हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन बन करके तैयार है। अब इसे हम किसी सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और इसे हरे प्याज से गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व करेंगे, नहीं तो ये ठंडा होने पर अच्छा नहीं लगेगा और इसकी ग्रेवी की थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन बाल बन करके तैयार है। मैं आपको एक बाल्स को कट करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे बाल कितने सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं, अंदर से पूरी तरह से ये पके हुए हैं। आप इसे चाहें तो हक्का नूडल्स या फिर फ्राइड राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। फ्राइड राइस की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें।